स्वागत उन खिलाड़ियों का हो रहा जिनका चीन ने बड़ी ही चालाकी से वीजा रोक दिया ताकि वो चीन जाकर एशियन गेम्स में हिस्सा ना ले सके। लेकिन ये भारत है जहां चीन की कोई चाल काम नहीं आने वाली। ये तस्वीरें देखकर आप समझ चुके होंगे कि जिन खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिला उन खिलाड़ियों का स्वागत करने रेलवे स्टेशन पर भारी तादाद में लोग जुटे थे। बता दें एशियन गेम्स चीन में आयोजित हो रहा है, ऐसे में यहाँ भी चीन ने अपना असली रूप दिखाते हुए भारत के 3 वुशु खिलाड़ियों का वीजा रोक दिया। वीजा संबंधी समस्याओं की वजह से अरुणाचल प्रदेश के ये 3 वुशु खिलाड़ी एशियाई खेलों के लिए हांजू में अपनी टीम में शामिल नहीं हो पाए। हालांकि चीन की इस हरकत के बाद भारत ने चीन को जमकर फटकारा और तो और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन के फैसले के विरोध में एशियाई खेलों के लिए हांजू की अपनी यात्रा रद्द तक करने का फैसला कर लिया। जिन 3 महिला खिलाड़ियों का चीन ने वीजा रोका उनमें एक का नाम है नेमान वांगसू, वहीं उनके साथ साथ ओनिला और मेपुंग को भी वीजा नहीं मिल सका। हालांकि इसके बाद इस मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी चीन को इस मुद्दे पर घेरा और कहा कि चीनी अधिकारियों ने लक्षित और पूर्व निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को चीन के हांजू में 19वें एशियाई खेलों में मान्यता और प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग था, है और रहेगा। वहीं उन्होंने कहा कि हमने चीन के इस फैसले के खिलाफ नई दिल्ली और बीजिंग में कड़ा विरोध दर्ज कराया। अरुणाचल को लेकर चीन का भारत से काफी समय से विवाद है, लेकिन चीन की ऐसी हरकतों से भारत के लोगों का मनोबल कम नहीं होने वाला और आप वो इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जब ये खिलाड़ी वापस अरुणाचल पहुंचे तो इनका स्वागत किस तरह से नाहरलागुन रेलवे स्टेशन पर किया गया। चीन की इस तरह की हरकतों से अरुणाचल प्रदेश की स्थिति बदलने वाली नहीं है। अरुणाचल भारत का हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा। ये तस्वीरें उसका जीता जागता उदाहरण है, लेकिन अरुणाचल के लोगों ने जिस तरह से इन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया उस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।